मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि जो क्रिश्चियन लाइफ स्टाइल है वो क्रिश्चियन लाइफ स्टाइल जो है इस संसार में नहीं दिखाई देती है, बल्कि परमेश्वर के वचन में दिखाई देती है। और वो क्रिश्चियन लाइफ स्टाइल जो है किस तरीके से जीना है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम दूसरे खंड के विषय में बात कर रहे हैं, 7 कलीसियाओं के नाम पत्र। पिछले संदेश में थुआतीरा की कलीसिया के 3 भाग में हमने सीखा था चेतावनी के विषय में। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय उसका 22 पद से लेकर 24 पद तक हमने सीखा था। अगर आप प्रकाशित वाक्य के थुआतीरा की कलीसिया के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 18 से 29 पद तक। आज हम सहमति के बारे में सीखने जा रहे हैं। मेरे साथ आप निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 25वां पद। जरा ध्यान दीजिएगा, पर हां जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। अब ये ध्यान देने की बात है कि जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक क्या करो, थामे रहो। जब आप सबोपदेशक की पुस्तक 9 अध्याय और उसका 10वां पद पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो काम तुझे मिले हैं वो तू अपनी शक्ति भर पूरे करना, क्योंकि अधलोक में जहां तू जाने वाला है ना काम है, ना युक्ति है, ना बुद्धि है, ना समझ है, कुछ नहीं है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि जब अधलोक में जाने से पहले जो काम परमेश्वर ने सौंपे हैं हमें उन्हें पूरे कर लेना चाहिए। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह थुआतीरा की कलीसिया के दूत को ये सहमति देता है, काउंसलिंग कर रहा है उसकी कि जो तुझे मिला है उसे तू क्या कर। देखिए फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पर हां जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। यानी जब तक यीशु मसीह ना आए तब तक उसको थामे रहो, उसको पकड़े रखो, उसको छोड़ मत दो। अब बात आती है कि हम क्या चीज थामे रहे, किन चीजों को हम पकड़े रहे, किन चीजों को पकड़े रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है थुआतीरा के कलीसिया के दूत को। जी हाँ, यहां पर अगर हम पढ़ेंगे आप पढ़ सकते हैं नीति वचन 5 अध्याय उसका 2 पद। जी हाँ, नीति वचन 5 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। ठीक है, देखे जब हम परमेश्वर के ज्ञान के वचनों को थामे रहते हैं, थामे रहने का मतलब क्या है, वो हमारे जीवन में बने रहे। हमारे जीवन में जब परमेश्वर का जो ज्ञान है वो बना रहता है तो क्या होता है, परमेश्वर कहता है ना कि हम उसके ज्ञान को खोजें, हम उसके ज्ञान को प्राप्त करें। जी हाँ, जब हम परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो कोई हमें बेवकूफ बना नहीं सकता है कि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो। हम खुद परमेश्वर के ज्ञान के विषय में जानते हैं, हमने खुद परमेश्वर के ज्ञान को अपने जीवन में बसा रखा है। जब परमेश्वर का ज्ञान हमारे पास नहीं होता तो कोई भी आकर हमें कुछ भी बताकर चला जाता है और हम उसमें फंस जाते हैं। और परमेश्वर के ज्ञान से जो सही माने में जो हमारे विवेक को जो हमें सुरक्षित रखता है और जिसके द्वारा हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं वह हमारे पास से चली जाती हैं। ये बड़े ध्यान देने की बात है कि परमेश्वर के ज्ञान के वचनों को क्या करना है, थामे रखना है। दूसरा है अय्यूब 23 अध्याय उसका 11वां पद जब हम पढ़ेंगे, यहां लिखा है, मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहें और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहूं। अब ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर, पहले हम ये जान लें कि उसके मार्गों में, उसके मार्ग में हमारे पैर क्या रहे, स्थिर है। अब उसका मार्ग है क्या, जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे योहन्ना की इंजील 14 अध्याय उसका 6 पद, यीशु मसीह क्या कहता है, मार्ग और सत्य और जीवन में हूं। परमेश्वर का मार्ग कौन है, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह वो हमारा मार्ग है जो हमें परमेश्वर के पास तक पहुंचाता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा वो मार्ग है जो हमें परमेश्वर के राज तक पहुंचाता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा वो मार्ग है जो हमें नए यरूशलेम में प्रवेश कराता है। प्रभु यीशु मसीह वो मार्ग है जो हमें नए आकाश के नीचे और नई पृथ्वी के ऊपर जो है वो हमें प्रवेश कराता है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारा मार्ग है, उसका मार्ग क्या करें कि उसी का मार्ग बिना मुड़े। अब यहां पर बड़े ध्यान देने की बात है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि बिना मुड़े क्या करें, उसको थामे रहें। हमें उस मार्ग से मुड़ना नहीं है, उस मार्ग से जो है हमें मुड़ने का मतलब होता भटक जाना, हमें भटकना नहीं है। हमें वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारा मार्ग है उस मार्ग पर क्या करना,
हमें चलते रहना। यदि हम उस मार्ग को नहीं थामे रहेंगे, नहीं पकड़े रहेंगे, या उससे मुड़ जाएंगे या उससे भटक जाएंगे, तो ये सोच लीजिए कि हम परमेश्वर के राज से, हम स्वर्ग में जाने से क्या हो गए, वंचित हो गए। और जब हम वहां प्रवेश नहीं कर रहे हैं, उस नए आकाश के नीचे और उस नए पृथ्वी पर प्रवेश नहीं करेंगे, तो फिर हम कहां प्रवेश करेंगे? फिर हमारे पास जो है वो एक ही जगह रह जाती है प्रवेश करने की, और वो जगह कौन सी है? वो है आग की झील। क्या कोई ये चाहेगा कि वो उस आग की झील में प्रवेश करे? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? देखिए भजन संहिता में भी दाऊद क्या कहता है, भजन संहिता 119 का 105 पद, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है? उजाला है। अब देखिए परमेश्वर का वचन अब क्या है? हमारे मार्ग के लिए दीपक है और हमारे पांव के लिए उजाला है। जब हम परमेश्वर के वचन की बात करते हैं तो परमेश्वर का वचन कौन है? जब आप यूहन्ना एक अध्याय और उसका एक पद पढ़ेंगे, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और फिर लिखा हुआ है वो वचन रूपी परमेश्वर जो है, जब आप उसका 14वां पद पढ़ेंगे तो लिखा देहधारी हुआ। किस रूप में? प्रभु यीशु मसीह के रूप में। देखिए वचन भी वही है, फिर वो कहता है कि वो हमारे लिए दीपक है, हमारे लिए क्या है? उजाला है। उजाला प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है यूहन्ना 8 और उसके 12 पद में, कि जगत की ज्योति मैं हूं। जी हाँ, वो मार्ग ऐसा है, वही हमारा वचन है, वही हमारी क्या है? हमारी ज्योति है। अर्थात यीशु मसीह को थामे रहना है, जिससे परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का मार्ग हमारे जीवन में बना रहे, हम उससे भटक ना जाए और उस मार्गों का उजाला जो है वो भी हमारे जीवन में बने रहे। ये बड़े समझने वाली बात है परमेश्वर का वचन जो बताता है। तीसरा यहाँ पॉइंट है, दूसरा थसलुनीकियों 2 अध्याय उसका 15वां पद यहाँ पढ़ना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी हैं उन्हें थामे रहो। अब ध्यान करिएगा, अब क्या है, अब वचन जो आता है वो सिखा के चला जाता है, मगर परमेश्वर कह रहा है जो बातें परमेश्वर के वचन में हैं और पत्रियों में, देखिए कितनी पत्री हैं, और नए नियम में अगर आप देखेंगे तो 21 पत्रियां हैं। जी हाँ, 21 पत्री हैं, रोमियों से लेकर यहूदा तक 21 पत्री हैं, और उन 21 पत्रियों में जैसा मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि जो क्रिश्चियन लाइफ स्टाइल है, वो क्रिश्चियन लाइफ स्टाइल जो है इस संसार में नहीं दिखाई देती है, बल्कि परमेश्वर के वचन में दिखाई देती है। और वो क्रिश्चियन लाइफ स्टाइल जो है, किस तरीके से जीना है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, इन 21 पत्रियों में क्रिश्चियन लाइफ स्टाइल है। और ये पत्रियां जो हैं बताती हैं कि एक क्रिश्चियंस को कैसी लाइफ जीना चाहिए, कैसा जीवन जो है मसीह यीशु में जीना चाहिए। तो वो कहता है कि जो कुछ परमेश्वर के वचन में है और जो इन पत्रियों में है, उनको हम क्या करें? हम थामे रहें। ये सहमति कर रहा है, किसको कह रहा है? थुआथीरा के दूत को कह रहा है, कि वो उनके समय के लोगों को कह रहा है। मगर ये सिर्फ बात उनके समय के लोगों की नहीं है, ये मेरे और आपकी भी बात है कि हमें परमेश्वर के वचन में जो बातें हैं थामे रहने का मतलब क्या है? अपने जीवन में बनाए रखना है, अपने जीवन से निकलने नहीं देना है। और जब हम उन वचनों को अपने जीवन में बनाए रहने देते हैं जो प्रभु ने दिए, उसको थामे रहते हैं, तो प्रभु बहुत सी आशीष देता है। देखिए बहुत सी चीजें हैं, मैं बहुत सी चीजें जो हैं आपको बताना नहीं चाहता हूं, परंतु ये जो मुख्य तीन बातें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। वो मुख्य तीन बातें क्या है? पहली है कि ज्ञान के वचनों को थामे रहें, दूसरी है उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहें, और तीसरा है जो जो बातें वचन और पत्री के द्वारा सीखी हैं उन्हें हम थामे रहें। और थामे रहने का मतलब मैंने बताया कि हम अपने जीवन में इसको बनाए रखें, इससे बाहर ना निकले। जब हम इन तीनों चीजों को अपने जीवन में बनाए रखते हैं, इससे बाहर नहीं निकलते हैं, थामे रहते हैं, तो परमेश्वर की ब्लेसिंग हमको मिलती है। और थुआथीरा के कलीसिया के दूत को वो यही चीज समझा रहा है कि तू अपने लोगों को ये संदेश दे, और आज यही संदेश परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहता है कि ये तीन चीजें जो है यदि आप थामे रहेंगे उसके आने तक, तो बहुत सी आशीषें पाएंगे और परमेश्वर के राज में आप प्रवेश करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।